हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप लोग को अप्लाई प्रोसेस दिखाने वाला हूं एसएससी की तरफ से जीडी फाइनली 2025 का फाइनली ऑनलाइन अप्लाई लिंक एक्टिव हो चुका है। गाइस यहां पर देख सकते हो एसएससी का आपका प्रोफाइल लॉगिन करते गाइस इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर साफ साफ देख सकते हो कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कैफ एसएसएफ एसएम राइफल जीडी इन एसएम राइफल एंड सीपीआई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2020। तो फाइनली एसएससी जीडी 2025 का ये बैच होने वाला है। गाइस यहां पर देख सकते हो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहां पर देख सकते हो 5 सितंबर से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2024 तक ये ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है। तो और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट और विंडो करेक्शन डेट भी यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आप चेक कर सकते हो। गाइस वीडियो बने रहना गाइस, अगर एसएससी जीडी ऑनलाइन कौन सा एसएससी जीडी फॉर्म में अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो गाइस बिना मिस्टेक करके ये वीडियो आपके लिए पूरा हेल्पफुल होने वाला है। पहले तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन कर लेना, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना इसका प्रोसेस अलग से मैंने वीडियो बनाया, आप वीडियो देख लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। गाइस तो अप्लाई आपका प्रोफाइल लॉगिन करते गाइस इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो आगे बढ़ने से पहले गाइस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तब आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। उस तरह का चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए गाइस सिंपली अप्लाई बटन पर क्लिक कर लेना। गाइस जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरह का इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कैसे अप्लाई करना है इसका प्रोसेस। अगर ये इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, सिंपली से फिल फॉर्म बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। गाइस गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसका सिलेबस क्या है, हाइट एंड चेस्ट पीईटी पीएसटी क्या है, इसका प्रोसेस अलग से मैंने वीडियो बनाया, आप जरूर वीडियो देख लेना। तो गाइस यहाँ पर आपका प्रोफाइल डिटेल वगैरह है गाइस यहाँ पर सारी आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है तब आपका डिटेल वगैरह यहाँ पर सारी फिलअप किया है तो आप लोगों को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है सिंपली से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना। गाइस जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गाइस डाटा सेव सक्सेसफुली, पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पर क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कर सकते हो और डन बटन पर क्लिक कर लेना। गाइस तो गाइस यहाँ पर सिंपली से हाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका हाइस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मेरा क्लास 12 मैंने सेलेक्ट कर लिया गाइस जो भी है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको स्टेटस यहाँ पर आपको चेक कर सकते हो गाइस, सिर्फ पास कैंडिडेट ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर वगैरह आपका परसेंटेज वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मतलब परसेंटेज नहीं आएगा जब आपने क्लास रजिस्ट्रेशन तक आपने फिलअप किया है आपका, मतलब रोल नंबर वगैरह यहाँ पर सारी आ जाएगा बोर्ड वगैरह। तो बात आती है गाइस यहाँ पर परसेंटेज आपको लिखना होगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज अगर जो लोग CGPA सिस्टम में दिया जाता है यहाँ पर CGPA डाल देना। जो भी आपका क्लास 10 का परसेंटेज है आपको यहाँ पर डाल देना ऊपर में, अगर CGPA सिस्टम में अगर क्लास 10 में दिया तो यहाँ पर CGPA डाल देना। तो चलो गाइस मेरा परसेंटेज मैं फटक से फिलअप कर लेते हैं। आपको बताना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू आपका क्लास 10 का मार्कशीट हिसाब से आपको परसेंटेज कितना है अच्छा से आपको फिलअप कर लेना, अगर मिस्टेक करोगे तो आपको बाद में फंस जाओगे। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा। सो गाइस देख सकते हो मेरा डिटेल वगैरह मैंने सारे मैंने फिलअप कर दिया, मैंने ब्लर करके रखा है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना। गाइस देख सकते हो सेव सक्सेस हो चुका है, ओके बटन पर क्लिक कर लेना। गाइस सिंपली से जैसे ओके बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस फिर से देखने को मिलेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 पूछा जाएगा तो ज्ञान से वीडियो देख लेना गाइस कौन सा यस कौन सा नो करना है। गाइस यहाँ पर देख सकते हो वीडर यू आर एन एक्स सर्विस, अगर आप एक्स सर्विस में है तो सिंपली सी एस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर लेना। गाइस तो चलो गाइस मैंने नो कर लिया। यहाँ पर देख सकते हो सिख वीडर्स की एज रिलेक्शन इसमें यस आया है तो चलो गाइस मैंने नो कर लिया, नो में मेरे को लेता है क्या नहीं लेता है मैं देख लेता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एसेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, इसमें बताया गया है अगर सपोज आपको नौकरी मिल गया एसएससी जीडी 2025 का बेस है, अगर आपका डिटेल वगैरह अगर बाद में चेंज करना चाहते तो डॉक्यूमेंटेशन टाइम आपको हो गया, चेंज करना चाहते तो कुछ आपका डॉक्यूमेंट और आपका आईडी प्रूफ वगैरह में अगर कुछ अपने जो आपने फॉर्म फिलअप किया अगर मिस्टेक है तो आप लोग को करेक्शन करना चाहते तो बाद में तो आप लोग को यस कर लेना, अगर पूरा सही है तो चेंज नहीं करना चाहते नो कर। मेरा डॉक्यूमेंट तो पूरा सही है A to Z कार्य है तो इसलिए मैं नो कर दूंगा। गाइस नो करने के बाद सिंपली से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना। गाइस जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गाइस इसमें एरर बताया गया है, एरर का मतलब मेरे को यहाँ पर यू आर नॉट एलिजिबल क्या बताया गया, देख सकते यू आर नॉट एलिजिबल डी टू मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, मतलब मेरा इससे ज्यादा हो गया तो इसलिए एज रिलेक्शन मेरे को लेना ही पड़ेगा तो फंस गया रह पाए क्या बताओ। ये आजकल भी एज भी कैसे कैसे होता है गैस, तो देख सकते हो एज रिलेक्शन लेने के लिए गैस मैं एक्चुअली एसटी कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, एसटी कैटेगरी फॉर्म में यहाँ पर देख सकते ऊपर वाला आप लोग को सिलेक्ट कर लेना। गैस तो गाइस सिंपली से 01 बटन पर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना। गाइस इस तरह का आप लोगों को भी अगर एज रिलेक्शन चाहिए तो इस तरह से आप लोग को सिलेक्ट कर लेना। गाइस तो सिलेक्ट करने के बाद 01 आप लोग को समझ लेना। गाइस एससी एसटी के लिए 5 इयर्स एज रिलेक्शन मिलता है आप लोग को पता है। गाइस 23 से लेकर आप लोग को 23 इयर्स से लेकर आप लोग को 23 इयर्स से लेकर 5 ईयर प्लस आप लोग को लगभग आप लोग को 28 इयर्स तक आप
28 ईयर्स ऑफ एफसी एसटी कैटेगरी के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है दोस्तों। आप सोच सकते हो वैसे यहाँ पर 01 केस क्या है, 01 का मतलब है फॉर्म कोड नंबर, इसमें बताया गया। जब आप डॉक्यूमेंटेशन टाइम आप लोग को अगर सपोज आप लोग को नौकरी मिलने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन टाइम आप लोग को 01 फॉर्म कोड है आप लोग को सबमिट करना जरूरी होगा। उसके बाद सेफ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते इस तरफ से आपको अभी तो एक्सेप्ट कर जाएगा, देख सकते हो सक्सेस ओके बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे ओके बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरह का एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू ऑप्शन आ जाएगा, फिर से आप लोग को आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रीफरेंस एग्जामिनेशन सेंटर प्रीफरेंस सेलेक्ट करना, कौन सा जगह में आप एग्जाम देना चाहते हो गाइस, इंडिया में जितना सेंटर लीजिए यहाँ पर सारी आ जाएगा। तो चलो गाइस मैं वन बाय वन करके मैं आपको सारी सेलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस आपको भी जहाँ पे आप एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो तो गाइस आप लोग को इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मैं एक्चुअली असम में रहता हूँ, सिलचर मैंने प्रीफरेंस वन में सेलेक्ट कर दिया। प्रीफरेंस टू की बात करो गाइस मैं गुवाहाटी में सेलेक्ट कर लिया गाइस। प्रीफरेंस थ्री की बात करो गाइस, प्रीफरेंस थ्री है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जौहर में दे लेता हूँ। गाइस देख सकते हो मेरा सेंटर है सिलचर गुवाहाटी गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट जौहर, मैंने सेलेक्ट कर दिया गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड है, यहाँ पर सीबीई एग्जाम जैसे होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, आप लोगों को पता है कंप्यूटर बेस्ड में आप लोगों को कौन सा लैंग्वेज में आप लोगों को एग्जाम आपको एग्जाम देना चाहते हो, जितना भाषा लैंग्वेज यहाँ पर सारे अवेलेबल होता है। तो चलो गाइस मैं इंग्लिश में देना चाहता हूँ, दो बार से आप लोगों को फिर से आपको कन्फर्म कर लेना गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो आर यू नेशनल कैडेट को, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो तो आप लोग को यस और नो कर सकते हो। तो चलो गाइस मेरा नो कर दिया क्योंकि मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद हैव यू पार्टिसिपेट इन द गेम स्पोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टेट, अगर इसमें बताएगा अगर आपने स्पोर्ट खेला आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट हो तो आप लोग को यहाँ पर यस कर सकते हो, जैसे कि स्पोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल यहाँ पर बताया गया। अगर यस करोगे तो बस स्ट्रक्चर आ जाएगा कौन सा लेवल में आपको खेला है, जो भी आप लोग को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जितना जैसे कि मैं फुटबॉल मैंने सेलेक्ट कर दिया। पार्टिसिपेट आप लोग को यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल यहाँ पर सारी आ जाएगा, जो भी आप यहाँ पर कौन सा पोजिशन में आपने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर आप लोग को सारी लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर सेलेक्ट करोगे तो गाइस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जो भी अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट सॉरी स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो आप लोग को यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर लेना। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट है आपका स्टेट फिर से सेलेक्ट कर लेना, इंडिया में जितना स्टेट है आपका सारी लिस्ट आ जाएगा। तो चलो गाइस मेरा आशा है। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट फिर से आप लोग को सेलेक्ट करना, दोबारा से कन्फर्म कर लेना गाइस। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट फिर से आप लोग को सेलेक्ट करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट फिर से आप लोग को सेलेक्ट करना होगा। तो चलो गाइस मेरा डिस्ट्रिक्ट है करीमगंज से, तो फिर से मेरा करीमगंज मैंने सेलेक्ट कर लेता होगा। इस तरफ से आपको वन बाय वन करके आपको सेलेक्ट कर लेना गाइस, वीडियो बने रहना एंड तक। यहाँ पर हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट, मतलब इसमें बता एक देश एक स्टेट से दूसरा स्टेट में अगर आपने माइग्रेटेड किया है तो आप लोग को यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर लेना। तो चलो गाइस मैंने नो कर लिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो लोग नक्सल एरिया अफेक्टेड में बिलोंग करते हैं तो गाइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर नक्सल एरिया मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया में ऑटोमेटिकली यहाँ पर यस आ जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद। और यहाँ पर जो लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, तो आप लोग को यहाँ पर चूज करने की कोई जरूरत नहीं। बात आती है गाइस यहाँ पर प्रीफरेंस, पोस्ट प्रीफरेंस कैसे देना है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये प्रीफरेंस तक आप लोग को देना होगा गाइस। तो आप लोग को पोस्ट प्रीफरेंस कैसे देना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पोस्ट प्रीफरेंस देने के लिए गाइस कौन सा पोस्ट में आप जाना चाहते हो गाइस आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने से पहले गाइस पोस्ट डिटेल बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे पोस्ट डिटेल बटन पर क्लिक करते गैस इस तरह का आप लोग को आ जाएगा पोस्ट कोड, आप लोग को फिर से आपको चेक करना है गैस। यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ में आप लोग को ए कोड आता है, सीआईएसएफ में आप लोग को बी कोड आता है, सीआरपीएफ में सी कोड आता है। तो इस तरफ से आप लोग को कौन सा डिफेंस कौन सा पोस्ट में आप जाना चाहते हो गैस, जो भी जैसे कि मैं एग्जाम्पल करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ गैस, एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। मैं एक्चुअली नार्कोटिक पोस्ट में मैं जाना चाहता हूँ, नार्कोटिक पोस्ट में कौन सा कोड में आता है, जी अंदर में आता है ना गैस। तो जी अंदर में आप लोग को यहाँ पर क्रोस कर लेना गैस, नंबर वन प्रीफरेंस है जैसे कि यहाँ पर आपको जी इस तरफ से आप लोग को लिख लेना, प्रीफरेंस टू में भी इस तरफ से आपको लग देना। जो भी आप पोस्ट में जाना चाहते हो तो गैस यहाँ पर प्रीफरेंस 1, 2, 3 करके इस तरफ से आपको डाल देना गैस। तो चलो गैस मैं आप लोग को दिखाता डाल के देखते डाल सब डाल लेता हूँ, आपको भी आपको हिसाब से कौन सा पोस्ट में आप जाना चाहते हो आपको डाल देना गैस। सो गैस देख सकते हो मेरा प्रीफरेंस है मैंने सारी यहाँ पर मैंने डाल दिया गैस, आप लोग को भी इस तरफ से आपको डाल देना। यहाँ पर आप चेक करना चाहते हो तो गैस जो भी आपको देना चाहते हो आपको चेक करना। तो सारी डालने के बाद सिंपली से सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गैस। जैसे सेफ एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गैस सक्सेस हो जाएगा, ओके बटन पर क्लिक कर लेना गैस। जैसे ओके बटन पर क्लिक करते गैस अभी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फोटो आप लोग को लाइव फोटो आप लोग को कैप्चर करना होगा आप लोग को पता है दोस्तों। और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना, सिग्नेचर साइज यहाँ पर आप देख सकते हो सिग्नेचर 10 to 20 KB के बीच में अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए गैस यहाँ पर देख सकते हो अपलोड सिग्नेचर बटन पर क्लिक कर लेना गैस, जहाँ पे आपका सिग्नेचर साइज बना के रखा है आपको सेलेक्ट कर लेना गैस। तो चलो गैस मैं लाइव प्रूफ करके सर कैसे अपलोड करना सिग्नेचर मैं आपको दिखाता हूँ गैस। मेरा सिग्नेचर में फटाक से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कैसे अपलोड करना है
मतलब लाइफ प्रूफ कर सकता है, जैसे कि मेरा ये है मेरा सिग्नेचर है, ये मेरा सिग्नेचर मैंने सेलेक्ट कर लिया गैस, सेलेक्ट करके गैस देख सकते हो अपलोडिंग हो रहा है, देख सकते हो फाइनली देख सकते हो यहाँ पर साथ साथ सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली आ रहा है पर मेरा सिग्नेचर आ सकता है। और फिर से अपलोड करना चाहते हो तो गैस यहाँ पर क्रॉस बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो स्कैनर से भी आप लोग अपलोड कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा है आपका फायदा है अपलोड कर लेना। तो फोटो कैप्चर करने के लिए गैस यहाँ पर इस तरफ से आपको क्लिक कर लेना। तो चलो गैस मैं फटक से फोटो कैप्चर ले लेता हूँ, आपको भी आपको साथ ले लेना गैस। सो गैस देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो मैंने कैप्चर ले लिया। कैप्चर लेने के बाद गैस यहाँ पर देख सकते हो सेव बटन पर क्लिक कर लेना गैस। जैसे सेव बटन पर क्लिक करते ही गैस देख सकते हो माय फाइनली मेरा फोटो एंड सिग्नेचर है फाइनली अपलोडेड हो चुका है। तो सिंपली से आप लोगों को क्या करना होगा, सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गैस। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते गैस अभी प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा सक्सेस, ओके बटन पर क्लिक कर लेना, अभी प्रीव्यू ऑप्शन आ रहे हैं। इसका मतलब है फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग अच्छा से चेक करना होगा, अगर एक बार सबमिट कर दो बार से करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलेगा, करेक्शन ऑप्शन मिलेगा लेकिन पैसा आपको चार्जेस लगेगा। तो चलो गैस मैं फटक से ले लेता फाइनल सबमिशन करने से पहले। सो गैस देख सकते हो फाइनली मैंने अच्छा से देख लिया पूरा सही। अगर एडिट करना चाहते तो गैस बैक बटन पर क्लिक करके जो भी गलत है एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना गैस। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाएगा। तो सिंपली सब को क्या करना गैस, यहाँ पर चेकबुक कर लेना, उसका बाद ये कैप्चा है गैस इस पर डाल देना गैस, चेकबुक इस तरफ सबको डाल देना गैस। उसका बाद ये कैप्चा मैं फटक से मैं डाल के दिखाता हूँ, उसका बाद इस तरफ सब को डाल देना गैस, कैप्चा जो भी सही है आपको डाल देना। अगर समझ में नहीं आएगा तो रिफ्रेश कर लेना गैस, रिफ्रेश बटन पर पूरा सही है। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना गैस। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करते गैस इस तरफ से आप लोग को फाइनली सबमिट कर सक्सेसफुली हो चुका है गैस। यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली कंटेंट वेरिफाइड पेंडिंग, मतलब फॉर्म तो फाइनली सबमिट हो चुका है लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म मतलब वेरीफाई नहीं किया है। तो प्रिंट फॉर्म लेने के लिए गैस प्रिंट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके गैस देख सकते हो प्रिंट फॉर्म में आपको लाइफ प्रूफ करके सर मैं आपको ले लेता हूँ। सो गैस आई होप आप लोग को समझ में आ गया गैस। जब सबमिट कर भी निकलेगा मैं आप लोग को इस चैनल पर मैं आपको सारी प्रोवाइड कर दूंगा गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तब आपके पास पूरा नोटिफिकेशन मिलने के लिए जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलो गाइस मैं लाइव प्रूफ करके सब भी मैं ऑपन करके देखा था। तो गाइस देख सकते हो फाइनली प्रिंट फॉर्म भी आ चुका है। तो चलो गाइस यहाँ पर वीडियो एंड कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं गाइस।